Ramadhan ni mwezi umozi uliosankidwa. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान मुबारक। आज हमारी फ़र्स्ट इफ्तारी है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पालक पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें हम गार्लिक डाल लेंगे। साथ में हमने यहाँ पे कुछ ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इन्हें भी कुछ इस तरीके से रफली कट करके मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये दाल सोक की है, हमने 2 कप उड़द दाल ली है और 1 कप हमने चना दाल ली है। हमने सेम कप से दोनों भी दाल को मेजर किया था, तो इन्हें भी हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये सॉल्ट लिया है, इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे, इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून, और हम इसमें अराउंड 1 कप स्लाइस्ड अनियन ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पालक को भी चॉप कर लेते हैं और इसे भी हम दाल में ऐड कर लेंगे। हमने पालक को चॉप करके दाल में ऐड कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ये करिएंडर लीव्स ली है, करिएंडर लीव्स को भी हम चॉप कर लेंगे। तो चलिए अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। हमने ऑयल हीट किया है, इसमें हम अपने पकोड़ों को डाल लेंगे। इन्हें हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमारी जो भजिया है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारी ये पालक के पकोड़े की रेसिपी रेडी हो गई है। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस और रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।